हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि बिकिनी वैक्स जो होता है वो सही होता है या नहीं होता है, क्या हमें वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने एक फ्रेंड ने ही मुझे फेसबुक पे बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ जब उन्होंने बिकिनी वैक्स करवाया। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि बिकिनी वैक्स करना बहुत ही अच्छा होता है, आपको कराना चाहिए, आपको इतना सारा बाल जो है पसंद नहीं है, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है कि उनको किस तरीके से अपने बॉडी को रखना होता है, नहीं रखना होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कभी करवाया नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो पार्ट होता है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, आपके स्किन से भी ज़्यादा। हमारा स्किन तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हम कुछ भी यहाँ पे लगाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी हमें लगने लगता है। तो वो जो पार्ट होता है, हमारा पार्ट प्राइवेट एरिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप वहाँ पे इतना ज़्यादा भयानक वाला वैक्स कराते हो, बिकिनी वैक्स जो होता है वहाँ के लिए तो भयानक ही होगा ना। मतलब हम अंडरआर्म्स में कराते हैं, हाथ पैर पे कराते हैं, वो अलग होता है, वहाँ का स्किन अलग होता है। लेकिन वहाँ पे आप अगर करते हो, वैक्स करते हो, वैक्स जब निकाला जाता है आपके बाल, तो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। और वजाइना का जो बाल होता है, हमारा प्राइवेट एरिया का जो बाल होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है बाहर से एंटर ना कर जाए जब आप इंटरकोर्स करते हैं, या फिर जब आप यूरिन के लिए जाते हो, बहुत ऐसे तरीके से बैक्टीरिया अंदर एंटर ना करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ के जो बाल होते हैं, अंदर का जो सिस्टम होता है बहुत ही अलग लेवल का होता है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ का जो है बाल रहता है, अंदर बैक्टीरिया एंटर ना करे, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और वजाइनल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उस प्रोटेक्शन लेयर को आप हटाना चाहते हो, कभी कभार ऐसा आता है टाइम कि आपको हटाना होता है, आप हटाना चाहते हो, तो मेरा मानो तो वहाँ पे आप ट्रिम कर लो। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे बाल हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रिम करना चाहिए, ना कि वैक्स करना चाहिए, ना कि कोई और आप दूसरा हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करो। मेरा मानो तो वहाँ पे कोई भी क्रीम हो, वैक्स हो, किसी तरीके का रेज़र हो, ब्लेड हो, कुछ भी आप ना करें, गलती से भी ना करें, ट्रिमर रखें, बालों को ट्रिम करें। आप बहुत हद तक अपने बालों को ट्रिम कर सकते हो और आपको उससे भी बहुत ही अच्छा फील होगा। मैं भी हमेशा अपने हेयर को जो है ट्रिम करके रखती हूँ, बिल्कुल भी वैक्स नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती। तो मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स करने से क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं। वहाँ का स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जब एक साथ वहाँ पे वैक्स लगते हैं और उखाड़ा जाता है, बालों को खींच के उखाड़ा जाता है, बिल्कुल भी प्यार से नहीं निकाला जाता है, खींच के जब निकाला जाता है, वहाँ पे एकदम रेड रेड हो जाते हैं, एकदम रैशेज होने लगते हैं, और बहुत लोग तो मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो वैक्स आधे में ही रोक देते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आप मत कराना, आधा वैक्स कराओ, आधा आप रोक दो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब वैक्स करवाते हो, रैशेज होने लगते हैं, स्किन रिएक्ट करने लगता है, उसको इतना ज़्यादा पेन होता है उस जगह पे, जो रेडनेस छा जाते हैं वहाँ पे, कुछ कुछ कई बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि वहाँ पे मतलब पिंपल से भी ज़्यादा भयानक भयानक, जो वहाँ पे आपको गंदे से मतलब पिंपल जैसा एक घाव जो बोलते हैं ना, वो होने लगते हैं, आप बहुत पछताने लगोगे। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों का एक्सपीरियंस मैंने ऐसा सुना है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ने जो बताया, उससे तो मुझे बहुत डर लग गया है कि लाइफ में अगर मुझे, अगर मैं सोचूं भी, या फिर मेरे फ्रेंड्स भी, अगर किसी ने अगर सोचा भी ऐसा कराने को, तो मैं उनको बताऊंगी इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो वहाँ का स्किन जो है बहुत भयानक से एकदम सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, पेन होता है। वहाँ का स्किन में बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है जब एकदम बालों को एक साइड से एक ही तरफ से खींचा जाता है, तो
तो बहुत लोगों का क्या होता है, कुछ टाइम तक एकदम रेड रेड होता है, खुजली होने लगता है, पेन होता है बहुत टाइम तक। और बहुत लोगों का, जो मेरे फ्रेंड्स ने अभी लास्ट वीक अपना एक्सपीरियंस बताया, उस वैक्स के चलते उनका वहाँ पे ऐसा घाव हो गया, वो घाव थोड़ा थोड़ा करके पूरा फैलने लगा उनके वजाइना में। जैसे कोई भी घाव होता है, थोड़ा सा होता है वो फैलने लगता है, वैसा उनका फैलने लगा। पिंपल से भी ज़्यादा उनका घाव वहाँ पे फैलने लगा है। खुजली होता है, पानी निकलता है, बहुत गंदे तरीके से उनका स्किन जो है रिएक्ट करने लगा है। वो ये सोच रही थी कि उनका एक हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा, एक महीना बीत गया, डेढ़ महीना बीत गया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर देखने के साथ साथ उनको ये बोला कि आप कितने लोगों के साथ इंटरकोर्स करते हो, आपका रिलेशन कितने लोगों के साथ है। मतलब डॉक्टर को जो हाल देख के लगा कि ये सेक्स की वजह से इन्फेक्शन फैल गया है, ये बहुत लोगों के टच में आने के वजह से इन्फेक्शन फैला है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं है, ये सिर्फ उनके शौक जो है वैक्स कराने का, उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन फैला है। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उनको ये इन्फेक्शन वैक्सीन की वजह से हुआ है। उन्होंने बाद में मुझे बताया था कि ये मैंने वैक्सीन कराया था, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है। उनको लगा शायद ये उसके वजह से नहीं हो सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके पहले क्या किया है जो ऐसा हुआ है, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये प्रॉब्लम होने से पहले एक बार वैक्स कराया था, और वैक्स जैसे कराया था, एक दो हफ्ता खुजली था, ऐसे मतलब रैशेज होते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं वैक्स के दूसरे ही दिन इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वहाँ पे पहले थोड़ा सा खुजली हुआ, रेड रेड जैसे छाने लगे, रैशेज होने लगे धीरे धीरे, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वो अभी इस प्रॉब्लम से ही वो गुजर रही है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले रही है। मतलब बहुत शॉकिंग था उनके लिए कि ऐसा उनका वजाइना का हाल हो गया था, प्राइवेट पार्ट का हाल ऐसा हो गया था कि डॉक्टर देखने के साथ साथ उनको ये सवाल किया। मतलब तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आपका भी वजाइना का, आपका भी प्राइवेट पार्ट का हाल ऐसा हो, एकदम सड़ने जैसा हाल हो जाएगा, जहाँ पे आप पैंटी भी नहीं पहन सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई दवा भी ऐसा अपने मन से नहीं लगा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना कोई आप हल्दी बेसन ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लगा सकते हो जैसे आप पिंपल्स के साथ करते हो, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो ही आप वैक्स कराएं। विकिनी वैक्स बहुत ज़्यादा रिक्सी होता है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, उनके सुपरविजन में भी कराने से भी ऐसा होता है, क्योंकि आपका स्किन है, आपका स्किन कैसे रिएक्ट करेगा वो एक्सपर्ट नहीं जानते हैं। बहुत मिस्टेक होता है उनसे भी वैक्सिंग करते टाइम, वैक्सिंग करने के बाद जो रिएक्शन होता है आपका स्किन का, बहुत गलत तरीके से होता है। तो मेरा मानो तो आप कभी भी वैक्सिंग बिकिनी वैक्स ना कराओ। आपको अगर करना है तो आप ट्रिम करके रख सकते हो, ट्रिमर में आप जीरो ट्रिम एकदम कर सकते हो, आपको उससे बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन वैक्स वैक्स आप ना कराओ तो आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना उसका जो हाल होने वाला है, जो उसका साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा बाय चांस हो गया तो आप लॉन्ग टाइम तक डॉक्टर का चक्कर लगाते रहोगे, और इतना एम्बैरस होगा जब आपका कोई मेल डॉक्टर अगर चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फीमेल डॉक्टर ही मिल जाएगा, जब मेल डॉक्टर चेक करेगा तो आपको कितना एम्बैरस होगा, हर बार आपको दिखाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और वहाँ पे दवा लगाना, दवा खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही रिस्की है ये विकिनी वैक्स जो होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप कराओ, देखो बहुत अच्छा लगता है ये वो, तो ये सही नहीं है, आपके वजाइना के लिए भी बहुत ही गलत है। वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए वो जो है बाल होते हैं, अगर आप कराते हो तो आप अपने वजाइना को भी रिस्क में डालते हो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का, और इन्फेक्शन से न जाने क्या क्या हो जाता है, बहुत गड़बड़ होने लगते हैं आपके स्किन के साथ। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, प्रॉब्लम नहीं चाहते हो अपने स्किन के साथ, आपका स्किन हेल्दी रहे, अच्छा रहे, तो आप ट्रिम करके रख सकते हो, वैक्स आप ना कराएं। रेजर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ब्लेड वहाँ पे कभी ना चलाएं, कभी नहीं, कोई भी क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अगर कितना भी कहता है कि आप, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, आपको करेंगे तो गारंटी देते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी नहीं पता आपका स्किन जो है इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वैक्स
बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और वहाँ पे आपके स्किन जहाँ पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव है वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करता है और बहुत प्रॉब्लम में आप जा सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, विकिनी वैक्स से हमेशा बचे, हमेशा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सको। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।